गुड मॉर्निंग गाइस, नहा धो के फ्री हो चुके हैं। वाणी भी नाली है और करीबन 10 बज गए हैं, तो अब चलता हूँ नीचे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर मिलते हैं गाइस बाद में दिन में। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और जो शाम वाला जो बैच है उसे मैं अभी छोड़ के आया हूँ। और अभी चाय बनी है, ये देखो थोड़ी देर पहले ही। ये वाणी क्या खा रही है? टोस्ट खा रही है। ये वाणी भी अभी भी उठी है, दिन में सोई थी इसके बाद में अभी उठी है। और ये वाणी की मम्मा ये चाय पी रही है। हाँ तो गाइस चाय पी लेते हैं। आज बारिश का मौसम हो रहा है तो चाय पीने का मज़ा ही आ रहा है भाई। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय, क्या भाई? बारिश भी हुई थी आज। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं इस रसोई में क्या बनेगा आज। मैडम देखे सोच रही है, अभी तो थोड़ी हल्की सी तबीयत भी डाउन है क्योंकि कल गई थी घूमने तो सारा दिन लग गया था। और अब देखते हैं क्या बनाएंगे आज। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद में। हाँ तो गाइज आज की रेसिपी में हमारे बन रहा है इडली सांभर है। इडली है सांभर है ये। हाँ तो गाइज आज बन रही है हमारे साउथ इंडियन रेसिपी। ये देखो मैडम हमारी साउथ इंडियन बनने वाली है आज। सांभर बन रहा है और बस लास्ट स्टेज पे चल रहा है। ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकाला है, देखते हैं कितना अच्छा लगता है भाई ये। वाह गर्मा गर्म एकदम बहुत ही शानदार लग रहा है। ये हमारी मैडम जिन्होंने ये सांभर बनाया है बहुत ही लजीज बहुत ही शानदार। इसके साथ अब इडली बनाएंगे जो बहुत ही शानदार लगेगी भाई। और ये देखो वाणी क्या कर रही है, सारे रास्ते के अंदर क्या फैला रखी। ये देखो वाणी ने चारों तरफ क्या फैला हुआ है ये। अरे बेटा ये क्या कर रहा हुआ है? ये देखो भाई वाणी ने क्या फैला दिया चारों तरफ, गुड्डे खिलौने चारों तरफ बहुत सारा सामान बिखेर रखा है। ये देखो भाई जहाँ तक नजर जाती है बस इसके खिलौने खिलौने मिल रहे हैं। ये देख। और ये क्या कर रही है? ये क्या बना रही? गोल गप्पे बना रही है, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। हाँ तो गाइस अब थोड़ी देर में इडली भी बनने वाली है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद क्योंकि धैर्य का फल आज तो चटपटा होने वाला है गाइस। हाँ तो गाइस हमारी जो सांभर की चटनी है वो तो बन चुकी है और अब साथ ही इडली का जो है डो वो तैयार करके रख दिया है 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और जो इसकी चटनी है नारियल वाली वो भी तैयार की जा रही है इसके लिए। देखो मूंगफली वगैरह जो जो इसमें सामग्री डलती है वो तैयार की जा रही है, मूंगफली छिल रही है। और मैं साथ ही नारियल तोड़ लेता हूँ, पानी वाला नारियल है। और ये देखो वाणी भी मदद करा रही है, वाणी के चाचू और ये वाणी क्या कर रहे हैं, ये भी मूंगफली छील रहे हैं इधर, सब मदद कर रहे हैं भाई। तो ठीक है गाइस थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, जब तक इनकी फटाफट तैयारी करते हैं क्योंकि तो बहुत ज़्यादा सामग्री डलती है इसके अंदर सांभर फिर इडली तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो फटाफट से तैयार कर लेते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नारियल मैंने छील लिया है, छील के पड़े बहुत सारे। और अब इसे हम पानी है अंदर इसको निकाल लेते हैं। ये आँखें इसकी तीन, उसमें से एक आँख खोल लेंगे। बहुत ही आसानी से फूट जाती है यहाँ से और तीनों में हम क्या है छेद कर देंगे हल्का हल्का ताकि इसका पानी आसानी से निकल जाए। ये छोटा नारियल है इसमें थोड़ा सा आगे पानी निकला भाई। चलो भाई इसको तोड़ लेते हैं फटाक से। तो गाइस नारियल को हमने तोड़कर एक बाउल में रख लिया है और अब इसे धो लेते हैं, उसके बाद में तैयारी करते हैं नारियल की चटनी की। तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ तो गाइस सारी तैयारियाँ अंतिम चरणों में हैं
और ये देखो इडली अंदर रख दी है और ये अभी पक रही है दो साइज में, एक तरफ है सांचा और एक तरफ बिना सांचे के, दो तरीके से इडली पकाई जा रही है। और अभी थोड़ी देर में ये बन जाएगी और गर्मा गर्म सांभर और वो नारियल की चट्टी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो गाइस बने रहें वीडियो में जब तक ये तैयार होती है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा टाइम और लगेगा इनको सीखने में, लगभग 20-25 मिनट। ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस ये देखो गर्मा गर्म सांभर आ चुका है और इसके साथ ये इडली देखो लग रही है एकदम मस्त जगाचक। और अभी सर्व की जाएगी गर्मा गर्म। ये देखो इडली प्लेट में आ गई अभी इडली। और आज हमने खाना नहीं बनाया है क्योंकि इडली बहुत सारी बन गई है, तो इसे सर्व करने देते हैं। ये देखो चटनी, नारियल की चटनी और साथ ही अब सांभर आने वाला है इसके साथ। ये देखो गर्मा गर्म बहुत ही लजीज। ये देखो सांभर भी डल गया है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। ये हमारे सैफ जिन्होंने ये सांभर इडली बनाई है भाई। इडली है सांभर है, साउथ इंडियन ही बन गए पूरी तरह से आप तो। और वाणी खाए भाई? अरे वाणी तो इसके चाचों के साथ खा चुकी है पहले खाना, और वो देखो लाइट कपड़े इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या कर रही है ड्रेसिंग में कांच के पास। आ जाओ और खा लो, पेट भर गया क्या? ये बहुत ही शानदार इडली है, मजा आ गया गाइस। ये देखो एक इडली गई सांभर के अंदर। अरे या बहुत ही शानदार रेसिपी है गाइस। तो गाइस अगर आपको भी इडली सांभर बनाना है, ये रेसिपी बनानी है, तो इसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर इस रेसिपी को पूरा देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लग रही है भाई, मज़ा आ गया। नारियल की चटनी के साथ बहुत शानदार, सांभर भी मस्त लग रहा है, और सांभर भी बहुत ही शानदार लग रहा है। तो गाइज आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा भाई ज़िंदगी का। हाँ तो गाइज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं इस रेसिपी को बनाते बनाते, लगभग 11 बज चुके हैं। और वाणी अभी तक खेल रही है, वो देखो आपको दिख रही होगी ड्रेसिंग पर, पता नहीं क्या क्या खिलौनों के साथ खेल रही है। वाणी इधर आना जल्दी, आ बाय बाय निकल रही है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये खाने में मस्त हो रहे हैं भाई। ठीक है गाइस बाय बाय, गुड नाइट।